गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बेटा अपनी ग्रामर की बुक ओपन करो। आज हम आपकी ग्रामर का चैप्टर क्रिया करने जा रहे हैं। बेटा इस संसार में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति भी निरंतर कार्य करती है। चलना क्या है बेटा? प्रकृति का नियम। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस बता रही हूँ बेटा। जैसे नदी बह रही है, वर्षा हो रही है, कोयल कूक रही है, सूरज उग रहा है, शेर शिकार कर रहा है। मैंने जितने भी सेंटेंस, जितने भी वाक्य बेटा यहाँ पर बोले, उनमें से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी ना किसी कार्य के हमें करने या होने का क्या हो रहा है बेटा? बोध हो रहा है। जो शब्द हम किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? क्रिया कहलाते हैं। अतः हमारी क्रिया की डेफिनेशन तो स्पष्ट है बेटा यहाँ पर, कि जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं बेटा। क्रिया को करने के साथ साथ बेटा हमें ये भी पता होना चाहिए कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम बेटा क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे खा, पढ़, लिख, सो, गा, आ, जा, ये सब क्या है बेटा? धातु है। और अगर हम इन सबके साथ ना प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं बेटा? फिर क्रिया बन जाते हैं। जैसे खा प्लस में ना खाना, आ प्लस में ना आना, जा प्लस में ना जाना, सो प्लस में ना सोना। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं और धातु के साथ अगर हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? क्रिया बन जाता है। आगे बेटा हम करेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के बेटा भेद हम एक कर्म के आधार पर करेंगे और एक रचना के आधार। कर्म के आधार पर बेटा क्रिया के हम दो भेद करेंगे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अ प्लस में कर्म। यानी जहां कर्म के बिना, जहां हमें कर्म की, जिस क्रिया में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जो क्रिया हो रही होगी उसका सीधा असर किस पर पड़ रहा होगा? कर्ता पर पड़ रहा होगा। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बच्चा रो रहा है, बच्चा कर्ता है, रोना क्रिया है। क्रिया करने का जो असर सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। हमें कर्म की कोई जरूरत यहां नहीं लगी है। हमने एक और सेंटेंस देखा बेटा, जतिन नहा रहा है। जतिन कर्ता, नहाने की वो क्रिया कर रहा है, क्रिया करने का सीधा असर किस पर पड़ रहा है? जतिन पर पड़ रहा है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया, जिसमें हमें कर्म की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती। और क्रिया करने का सीधा असर किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। एक और तरीके से भी आप बेटा पता लगा सकते हो कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। जब हम क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करें और हमें उत्तर मिल जाए। जैसे अब मैंने इस एग्जांपल में आपको एग्जांपल दिया है, बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है? नहीं समझ आ रहा। बच्चा किसे रो रहा है? नहीं समझ आ रहा। बच्चा किसको रो रहा है? कोई बात नहीं बन रही। तो हमें क्या, किसे और किसको लगाने से कोई आंसर नहीं मिल रहा तो वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर क्या, किसे और किसको लगाने से हमें आंसर मिले वो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। स प्लस में कर्मक, यानी कर्म के साथ। इस क्रिया में हमें कर्म की आवश्यकता अनुभव होती है, हमें कर्म की जरूरत पड़ती है। और जो क्रिया हो रही होती है उसका असर कर्ता पर नहीं पड़कर किस पर पड़ रहा होता है? कर्म पर पड़ रहा होता है। यहां मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अमित पुस्तक पढ़ रहा है। अमित करता है, पढ़ना क्रिया है, क्रिया करने का असर लेकिन अमित पर नहीं पड़कर, पढ़कर किस पर पड़ रहा है? पुस्तक। और अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि अमित क्या पढ़ रहा है, अमित पुस्तक पढ़ रहा है, हमें आंसर भी मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया, माँ खाना बना रही है। माँ करता है, बनाना क्या है? एक क्रिया है। क्रिया करने का असर माँ पर नहीं पड़ रहा, खाना पर। तो खाना क्या है? कर्म। ठीक है, तो यहाँ क्रिया करने का जो प्रभाव है, असर है, वो कर्म पर पड़ रहा है। तो ये कौन सी क्रिया होगी बेटा? सकर्मक क्रिया। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है। मालिक पौधों को पानी दे रहा है। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, मालिक किसे पानी दे रहा है? तो हमें आंसर मिल रहा है। लेकिन मैं कहूँ बच्चा हंस रहा है, बच्चा क्या हंस रहा है? कोई आंसर नहीं है।
क्लियर होगी होगी बेटा। इसके बाद हमारे पास आएंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर बेटा हम क्रिया के चार भेद करेंगे, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। इसको डिटेल से बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल आपने वीडियो को इतना ही वीडियो को ध्यान से सुनना है और इसको समझने की कोशिश करनी है और चैप्टर भी ध्यान से रीड करना बेटा। और जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी वो आपने करके मेरे पास भेज दिए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।